सो दिस इज द केस बिटवीन पेनसुलर एंड ओरिएंटल्स चीम नेविगेशन कंपनी वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि हुआ था 1861 में आइए इस केस के बारे में जानते हैं सो वॉट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इस केस में क्या होता है कि जो पी एंड ओ कंपनी है उसके सर्वेंट जा रहे थे ऑन अ हाईवे ठीक है कैलकाता में उनके पास, उनके पास क्या था उनके पास कैरेज था और विच वॉज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ हॉर्सेस मीन घोड़ा गाड़ी थी ठीक है और उनके गाड़ी में सामान भी था ठीक है जो कि कंपनी को बिलोंग करता था ठीक है फिर क्या हुआ एक एक्सीडेंट हो गया कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे और भी जने थे उस हाईवे पे दूसरे जने कौन थे जि, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ दोज वर द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो उनकी वजह से एक्सीडेंट हो गया अब फॉर द लॉस कॉस्ड बाय द एक्सीडेंट अब एक्सीडेंट की वजह से जो नुकसान हुआ है पी एंड ओ कंपनी को उनके घोड़ों को पी एंड ओ कंपनी के जो यहाँ पे घोड़े थे राइट right, उनका जो कैरेज सामान था उनको जो लॉस हुआ है और गलती किसकी थी गलती थी सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो अब जो नुकसान हुआ है पी एन ओ कंपनी ने क्लेम करा है डैमेजेस अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ठीक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को के अगेंस्ट क्लेम डैमेज का करा है ठीक है सो so, ये केस कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो ये है दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 एट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही पहली बार बात हुई थी विकेरियस लाइबिलिटी की कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी की कि गवर्नमेंट पे भी केस फाइल करा जा सकता है यहाँ पे पहली बार बात हुई थी ठीक है और ये लिखा हुआ था सेक्शन सिक्सटी में ऑफ दिस एक्ट यहाँ पर ये सेक्शन ये, ये कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो है उसको सीव कर वो सी कर सकता है और वो सीड भी हो सकता है ठीक है वो केस भी कर सकता है और उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी उसके खिलाफ केस हो सकता है ठीक है बाय द नेम ऑफ़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन एज अ बॉडी कॉपरेट मतलब उसके जो फंक्शंस हैं किस पे उंगली उठाई जाती जा सकती है जो उसके फंक्शंस हैं एज अ कंपनी जो उसके फंक्शंस हैं एज एज अ लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट ठीक है उस पर उंगली उठाई जा सकती है उनके खिलाफ केस करा कर जा सकता है ठीक है सो so यहाँ पे अब कोर्ट क्या जजमेंट पास करती है वो देख लेते हैं कोर्ट ये कहती है अ मास्टर इज लाइबल फॉर एनी टॉट कमिटेड बाय एज सर्वेंट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट यानि कि अगर सर्वेंट ने कोई टॉट कमिट कराया है उस दौरान जिस दौरान वो सर्वेंट अपने मालिक का काम कर रहा था उस दौरान अगर कोई टॉट कमिट करा है तो उसके लिए मास्टर लाइबल होगा ठीक है और क्या कहती है कोर्ट कोर्ट कहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके दो करेक्टर हैं ठीक है उसके इसके दो फॉर्म्स हैं ठीक है, है वो, वो दो काम करती है ईस्ट इंडिया कंपनी एक है एज एज अ गवर्नमेंट एज अ टॉप लेवल गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट उसके जो काम है दूसरा एज अ ट्रेडिंग कंपनी तो कोर्ट ये कहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुड बी सीट फॉर द टॉट्स ऑफ इट्स सर्वेंट्स कमिटेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन एज अ ट्रेडिंग कंपनी यानी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन एज अ ट्रेडिंग कंपनी यानी कि उस कंपनी का काम करने के लिए अगर कोई सर्वेंट टॉट कमिट करता है तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्यू करा जा सकता है ठीक है सो so, उस समय जो हाईवे में जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे जो सर्वेंट्स थे वो काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का एज अ ट्रेडिंग कंपनी एंड देर जो उन्होंने करा नेग्लिजेंस का काम जिसकी वजह से या वो केस हुआ टॉट का सो so, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को लेबल ठहराया गया है देर फो पी एंड ओ कंपनी इज एंटाइटल टू कंपनसेशन ठीक है यहां पे पी एंड ओ कंपनी जीत जाती है सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो